हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जब भी ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ के बारे में बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ट्रेन टू बुसान ही आती है। ट्रेन टू बुसान ज़ॉम्बीज़ की मूवी में वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी मूवी मानी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी मूवी है जो एक्चुअल में ट्रेन टू बुसान को कंपेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन ट्रेन टू बुसान को बदले इन मूवीज़ को भी देख सकते हैं, अच्छे खासे एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। नंबर 4, पेनिनसुला। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड एक्शन एक्टिविटी पर। मूवी की स्टोरी की बात किया जाए तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है चैंग से, जिसे एक डेडलिस्ट टास्क के लिए भेजा जाता है पेनिनसुला। उसका सामना कुछ अजीब गरीब ज़ॉम्बीज एक्टिविटीज से हो जाता है। लास्ट तक जैक कैसे पेनिनसुला से सर्वाइव करके बाहर निकलता है हमें मूवी में दिखाया गया। मूवी को रिलीज़ किया गया था 2021 में और IMDb रेटिंग है 10 में 5.5। नंबर 3, आर्मी ऑफ द डेड। मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक्शन एंड फॉरेन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऑफिसरों से, जिनको एक डेडली टास्क के लिए लॉस एंजेलिस भेजा जाता है, लेकिन लॉस एंजेलिस जाते ही उनका सामना डेडली ज़ॉम्बी से हो जाता है। लास्ट तक सारे ऑफिसर सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, यही दिखाया गया है मूवी में। मूवी को रिलीज किया गया था 2021 में, IMDb रेटिंग है 10 में 5.8 की। नंबर 2, आई एम लेजेंड। मूवी की स्टोरी बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जो एक्चुअल में पूरा कन्वर्ट हो चुका है ज़ॉम्बीज में। कह सकते हैं कि सारे सभी लोग वहां के इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसी बीच विल स्मिथ और उनका डॉग किसी भी तरह सरवाइव करना चाहता है, और इन्हीं ज़ॉम्बीज एक्टिविटी पर लास्ट तक विल स्मिथ अपने को सरवाइव कर पाते हैं। ये मूवी आपको बहुत एंटरटेनमेंट करने वाली है। मूवी को रिलीज किया गया था 2007 में, IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर ज़ेड। मूवी की स्टोरी बेस्ड है हॉरर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है अचानक से एक इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, और कुछ लोग अपने आप को कैसे इन्फेक्शन से बचाते हैं, वो काम कैसे करते हैं, मूवी में यही दिखाया गया। मूवी को रिलीज किया गया था 2013 में और IMDb रेटिंग है 10 में 7.2।